फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पटेल है। मैं IVF स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर से ये फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई BJ मेडिकल कॉलेज से की है और मैंने IVF की ट्रेनिंग कोरिया से ली है। तो पीरियड के सेकंड डे से हमारे गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे। फिर क्या है जो इम्पोर्टेंट है, वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। सो आफ्टर 4-5 days ऑफ इंजेक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेंटर, तो हम 7th day ऑफ पीरियड पे पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें हम एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और हम फॉलिकल साइज मेजर करते हैं, नंबर मेजर करते हैं कि भाई कितना रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन का डोज बढ़ाना है या सेम रखना है, और कोई इंजेक्शन सप्लीमेंट करना है। जैसे एंटागोनिस्ट साइकिल होता है तो हम एंटागोनिस्ट जैसे कि सिट्रोलिक्स को सप्लीमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें day 7 स्कैन पे हम डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद 3-4 days के और इंजेक्शन पेशेंट को लगते हैं। अगेन वी चेक ऑन day 10 और हम देखते हैं कि भाई इस फॉलिकल साइज क्या है। एवरेज जब 18-20 days के फॉलिकल्स हो जाते हैं सोनोग्राफी से, फिर हम उसको एक मैच्योर करने का ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं। अब ट्रिगर इंजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ट्रिगर इंजेक्शन है उसके एग्जैक्ट 34-36 hours में हम एग रिट्राइव करते हैं, जो प्रोसीजर को हम ओवम पिकअप करते हैं। तो जो ट्रिगर इंजेक्शन का टाइम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर इधर उधर हो जाता है तो हमारा जो ओवम है, जो ओसाइट रिट्राइवल का जो रेट है, वो अप डाउन हो सकता है। तो जब आपके डॉक्टर ने सपोज आपको रात के 11 बजे, रात को 2 बजे, वॉट एवर टाइम पे आपको ट्रिगर इंजेक्शन लेने के लिए समझाए, तो टाइम बहुत ही मैनेज करना जरूरी है। कोई भी रीजन की वजह से अगर आपका ये ट्रिगर इंजेक्शन का टाइम मैनेज नहीं होता, तो इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर से बात करिए कि भाई ट्रिगर इंजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइमिंग में, तो आपके डॉक्टर उसके हिसाब से उसमें पिकअप में जो चेंजेस करना चाहते हैं उसको आपको गाइड कर सकते हैं। बट स्टिल ये एक ऑप्शन है, रेयर ऑप्शन, जो आपको कभी ऐसी गलती हुई तो यूज़ करना है। बट वो एक जो चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टिक टू द टाइम, जो आपको टाइम समझाया जाता है उसी टाइम पे आपको इंजेक्शन लेना है। ट्रिगर इंजेक्शन के 34-36 hours में हम ओवम पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप प्रोसीजर है, उसका मीनिंग है कि हम अंडे को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये प्रोसीजर कैसा है, कोई बड़ा ऑपरेशन है? लोग डरते होते हैं कि इसमें मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ओवम पिकअप बहुत इजी प्रोसीजर है, बट स्टिल एक ऑपरेशन तो है ही, तो वी कैन नॉट अश्योर यू 100% कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट करते कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो उसमें कोई कट या स्टिचेस ऐसा कुछ नहीं आता, तो वो एक दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। ओवम पिकअप का प्रोसीजर है वो हम वजाइनली करते हैं। हमारे पास ऐसे एस्पिरेशन पंप होते हैं जिसको हम नीडल से अटैच करके हम जो फॉलिकल्स है जो हमने स्टिमुलेट किए हैं ओवरी में, उसको हम उसमें से हम पानी को एस्पिरेट कर लेते हैं और उसमें से फिर हम लैब में एग रिट्राइव करते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर होता है। अब ये पेनफुल होता है, ओवम पिकअप होगा तो पेन होगा, मुझे क्या होगा? नहीं, ओवम पिकअप प्रोसीजर है वो हम शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में करते हैं। तो उसमें हम जनरल एनेस्थेशिया में पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। वो सिंपल एनेस्थेशिया है, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। आफ्टर 3-4 hours ऑफ ओवम पिकअप आप घर पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 100% रेस्ट लेना है 3-4 days के लिए। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, पेनलेस है, क्योंकि हम एनेस्थेशिया में करते हैं। ओवम पिकअप का टाइम, सबसे पहला पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि भाई कितना टाइम लगेगा डॉक्टर ये प्रोसीजर में। जनरली इट डिपेंड्स ऑन कितने एग बने हैं। जैसे किसी को ज़्यादा एग बनते हैं तो रिट्राइव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी इट्स ए शॉर्ट प्रोसीजर, मैक्सिमम 15-20 minutes में फिनिश हो जाता है। पर इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर इज ओवर पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है और उसमें कोई कट स्टिचेस रहता नहीं है, तो 3-4 hours में पेशेंट घर भी जा सकता है। सपोज पेशेंट ट्रैवल करके दूर से आया है, जैसे आउट सिटी से आया है, तो भी वो सेम डे पे घर जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे सारी कोई भी प्रोसीजर होती है उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, बट IVF की जो प्रोसीजर है उसमें कॉम्प्लिकेशन है, बट दे आर वेरी रेयर। वी एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब
हमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे किसी किसी को ऐसा होता है कि जो फॉलिकल्स हमने एस्पिरेट किए उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब हेमरेज हो जाता है, किसी को ओवरी ट्विस्ट हो जाती है, या किसी किसी को आजू बाजू की कोई वेसल्स पे इंजरी हो तो हेमरेज मतलब ब्लड कलेक्शन पेट में होता है। तो बहुत कम और रेयर जो है वो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो ये भी हम जितना चाहे उतना अवॉइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट 100% गारंटी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इट डिपेंड ऑन पोस्चर, ओवरी कितनी इजीली एसेसिबल है और पेशेंट का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। किसी की कोएबिलिटी कम रहती है, किसी के ओवरी में जो लिगामेंट्स होते हैं लेग्स रहते हैं, किसी को जर्क की वजह से ट्विस्ट हो जाता है। सो पिकअप के बाद हम कुछ एडवाइस करते हैं, जैसे आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, लाइट वेट आप सब कर सकते हो, यू कैन गो टू जॉब ऑल्सो, कि भाई आप ऑफिस वर्क करते हो तो आप ऑफिस में भी जा सकते हो। तो ये हुआ प्रोसीजर। अब ओवम पिकअप में क्या किया, हमने फॉलिकल्स को रिट्राइव किया और उसमें से एक को अलग किया। अभी ये जो एग हो गए उसमें से फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे, पहले तो कितने एग्स मिले हैं, उसमें से क्वालिटी कैसी है, जैसे कि मैच्योर एग कितने हैं। आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे भाई हमें 10 फॉलिकल्स मिले हैं, 10 एग ओसाइट रिट्राइव हुए हैं और उसमें से मैच्योर मतलब M2 ओसाइट मैच्योर है वो 8 है, 10 है, 6 है, 4 है, कोई जो है वो इमैच्योर है, कोई है जो एबनॉर्मल शेप्स के है। तो इसके हिसाब से हम स्क्रीनिंग करते हैं भाई आपके कितने एग रिट्राइव हुए हैं, उसकी क्वालिटी कितनी है, कितने मैच्योर है और कितने क्या ग्रेडिंग के है। अब जितने भी मैच्योर एग है उसमें अगर हम IVF प्रोसीजर पे जा रहे हैं तो IVF में क्या होता है कि जो एग हमें मिले उसके आजू बाजू हम स्पर्म को छोड़ देते हैं, फिर नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म होता है, मतलब नेचुरली स्पर्म एग के अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। बट नावर डेज विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर सेंटर वी आर डूइंग 100% ICSI। ICSI मतलब स्पर्म को पकड़ के ICSI की मदद से हम डायरेक्ट उस साइड मतलब लेडीज के अंडे में छोड़ देते। इससे क्या फायदा होता है कि जब IVF हम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन फेलर हो तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्ब्रियो कम हो जाते हैं। जो काम ICSI से हम अच्छे से करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हायर साइड पे रहता है, वी हैव गुड नंबर ऑफ एम्ब्रियो। सो नावर डेज वी प्रीफर 100% ICSI एट आवर सेंटर, बट अगेन यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर कि आपको IVF पे जाना है कि ICSI पे। सबके प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बहुत तो रहते ही है, तो आप प्रोसीजर को डॉक्टर से डिस्कस करके आगे बढ़िए। तो ये हुआ कि जब IVF हो गया, एग्स रिट्राइव हो गए, उसके कुछ घंटों में हमने स्पर्म को अंदर इंजेक्ट कर दिया। नाउ देर विल बी स्टार्टिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं। और सेकंड डे, ये प्रोसीजर के सेकंड डे हम चेक करते हैं कि भाई कितने एम्ब्रियो फर्टिलाइज हुए हैं, उसको हम फर्टिलिटी चेक बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन चेक बोलते हैं। तो सेकंड डे ऑफ जो प्रोसीजर है उस पर हम देखेंगे भाई कितने एम्ब्रियो डिवाइड फर्टिलाइज हुए हैं। उसके सेकंड डे मतलब डे टू ऑफ द प्रोसीजर हम देखते हैं कि कितने एम्ब्रियो क्लीव हुए, मतलब एक तो है पहले स्टेप है फर्टिलाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 अंडे है तो 10 के 10 फर्टिलाइज हो गए, बट वो हम चेक करते हैं फर्टिलिटी चेक में सेकंड डे ऑफ प्रोसीजर कि भाई क्या है, मतलब सारे फर्टिलाइज हुए कि कुछ अरेस्ट हो गए किसी का। तो ये होता है कि इससे हमें आइडिया लगता है कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज मिल सकते हैं। फिर सेकंड डे ऑफ पीरियड हम क्लीवेज देखते हैं। सेकंड डे ऑफ जो प्रोसीजर होता है उसमें हम देखते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो कैसे हो रहा है। जनरली जो सेकंड डे ऑफ प्रोसीजर होता है उसको हम डे टू एम्ब्रियो बोलते हैं, और डे टू पे 4 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई सेल जो ब्लास्टोमियर जिसको हम बोलते हैं उसकी जैसे साइज कोई इक्वल साइज के है, मतलब इसके हिसाब से हम एम्ब्रियो का ग्रेडिंग करते हैं कि भाई जो ब्लास्टोमियर है वो इक्वल साइज के है, अनइक्वल साइज के है, उसमें फ्रेगमेंटेशन है या कोई और डीजनरेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं। फिर आता है डे 3 चेक। डे 3 में जनरली जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें 8 से 12 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। तो ये हुआ डे 3। और मैक्सिमम हम एम्ब्रियो को कितने दिन बाहर रख सकते हैं, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। जनरली जो हमारे पास टिल डेट जो अवेलेबल फैसिलिटीज है वर्ल्ड वाइड उसमें हम बोल सकते हैं कि वी हैव फैसिलिटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, मतलब
पांचवें दिन तक एम्ब्रियो को कल्चर कर सके इतना फैसिलिटी हमारे पास है। उसके बाद हमें फ्रेश ट्रांसफर करना है या फ्रोजन ट्रांसफर करना है, वो आपके डॉक्टर आपको क्वालिटी, नंबर ऑफ एम्ब्रियो उसके हिसाब से समझाएंगे कि आपको कौन सा करना चाहिए। तो ये हुआ शॉर्ट में IVF प्रोसीजर, जो मैं अगेन समराइज करती हूँ कि जिसमें पीरियड के सेकंड डे से आपको गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन लेने हैं, बीच में 2 से 3 बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करना है, फिर इम्पोर्टेंट स्टेज आता है कि ट्रिगर इंजेक्शन लेना है, उसके बाद अंडर एनेस्थेशिया ओवम पिकअप प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक बाहर निकालते हैं, फिर आता है लेबोरेटरी पार्ट जिसमें हम एक को फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, देन आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला पार्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर ये बहुत इजी प्रोसीजर है, ये पेनलेस प्रोसीजर है। एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वो हम विदाउट एनेस्थेशिया करते हैं, इसमें हम कोई एनेस्थेशिया नहीं देते हैं। तो आपको फ्रेंड्स डरने की ज़रूरत नहीं है कि उस टाइम पे मुझे पेन होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है थोड़ा बहुत IUI से मिलता जुलता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम एक स्पेशल जो एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर होता है उसमें एम्ब्रियो को लोड करके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को ब्लैडर में यूरिन होल्ड करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम सोनोग्राफी गाइडेंस से हम एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस को चेक करते हैं ताकि हम प्रॉपर प्लेस पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सके। सो फ्रेंड्स इसमें कोई पेन नहीं है, बहुत इजी प्रोसीजर है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको कितनी देर हॉस्पिटल में रुकना है, अगर आप मान लो कि सिटी के एरिया में से ही आते हो तो सेम डे ही आप घर जा सकते हो, अगर आप बाहर से आते हो तो हम एडवाइस करें कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग 1-2 डेज आप अवॉइड करिए। तो ये हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला पार्ट। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या क्या आपको केयर करना है। सो ये शॉर्ट में हुआ IVF प्रोसीजर।